मना ले होते कंक्लूड द स्पीच नाउ ओके नेक्स्ट चंद्रशेखर नरेंद्र मोदी साहब मना ले होते श्री चंद्रशेखर श्री चंद्रशेखर आपण सगळे शिकलो पण झूठी राजनीति का सामना करणे आपण शिकलेलो नाही सभापति महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने मुझे बजट पे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया मैं अपनी बात को शुरू करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूँ साथ साथ मैं भारत की महान जनता का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा इस बार की है सभापति महोदय पिछले 10 सालों में सरकार की नीतियों के कारण गरीब और गरीब हुआ और अमीर हुआ है यानी गरीबों और अमीरों के बीच फासला बढ़ गया है सारे देश की संपत्ति को चंद अमीरों के हाथ में दे दिया गया है ये हमारे संविधान की मंशा और समतावादी समाज के लक्ष्य के खिलाफ है अतः हमारी नीतियां गरीबों के पक्ष में भी होनी चाहिए जातिगत जनगणना एससी एसटी ओबीसी यानी के जो बहुजन समाज के लिए आज जीवन मरण का प्रश्न है इसके बारे में कोई बात बजट में नहीं की गई है इसके बाद जनसंख्या के अनुपात में बहुजन समाज को सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए तभी बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना है समतामूलक समाज का वो पूरा होगा महोदय ये कैसा विकसित भारत है जिसमें आज भी सफाई कर्मचारी को पक्की नौकरी नहीं मिल रही है और उसको गटर में उतरने के लिए मजबूर किया जा रहा है उनके लिए कोई अलग से बजट नहीं है बजट बन सकता है अगर सरकार चाहे एससी एसटी को जो सब प्लान मिलता था एसपी सी का जो पैसा मिलता था वो बजट से हटा दिया गया है साथ साथ देश के स्तर पर आशा आंगनबाड़ी भोजन माता ग्राम सेवक पीआरडी जवान होमगार्डों के मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि उनके जीवन में खुशहाली आ जाए इनका मानदेय बढ़ना चाहिए विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन प्रत्येक महीने 500 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये की जानी चाहिए क्योंकि महंगाई बढ़ रही है देश में प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के तहत एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम को कितने घर दिए गए इसका कोई आंकड़ा सरकार के पास नहीं है देश में इसी तरह एससी एसटी ओबीसी के लिए कितने परिवारों को शौचालय की व्यवस्था कराई गई आज भी सिद्धार्थनगर जैसे जिले और तमाम जिले जो हैं वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं है इस पर ध्यान देना चाहिए देश भर में एससी एसटी ओबीसी के जो रिक्त पद पड़े हुए हैं बैकलॉग भरना चाहिए सरकार ने कुछ नहीं कहा ये कैसी विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है जिसमें आज भी एससी एसटी पर अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ रेप हत्या हो रही है एनसीआरबी का डाटा पढ़ेंगे तो खून के आंसू रोने पड़ेंगे युवा बेरोजगार है सड़कों पे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जीवन यापन करना पड़ रहा है जो बजट एससी एसटी को मिलता है मेरे दाएं तरफ जो साथी बैठे उनको बुरा लगेगा कर्नाटक में 14,732 करोड़ रुपए इन्होंने दूसरी योजना में लगा दिए और मध्य प्रदेश में आपने 95 करोड़ रुपए जो है दूसरे बजट में लगा दिए हमारा जो मिलता है उसको तो मत छीनो भाई एमएसपी की लीगल गारंटी कोई बात नहीं हुई है किसानों को जो 6,000 रुपए मिलते हैं उसको बढ़ा के 12,000 रुपए करना चाहिए और फसल बीमा जो है उसका सारा प्रीमियम सरकार भरे किसानों पर बोझ ना लगे रिजर्वेशन प्रमोशन में लागू नहीं किया गया पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया इस पर चर्चा नहीं हुई देश में मनरेगा समय न्यूनतम मजदूरी की दर 700 रुपए होनी चाहिए समान काम समान वेतन पॉलिसी लागू होनी चाहिए जो रसोई में की रसोई की चिंता करते हुए 500 रुपए प्रति सिलेंडर से ज्यादा के दाम नहीं होने चाहिए जो महिलाओं को राहत मिल सके बिजली के दामों भी कमी होनी चाहिए बेरोजगार युवाओं को 5,000 रुपए भत्ता मिलना चाहिए जो बेरोजगार युवा जो है अपनी पढ़ाई या अपना खर्चा उठा सके मैं अपने क्षेत्र के विषय में महोदय आपसे कहना चाहता हूँ कि पश्चिम यूपी में नगीना में एक एम्स बनना चाहिए एक आईआईटी बननी चाहिए एक आईएम बनना चाहिए नगीना लोकसभा में उद्योग धंधे लगने चाहिए नगीना की कताई मिल जो है उसको पुनः शुरू कराना चाहिए आरआरटीसी जो योजना है सरकार की उसको मेरठ से आगे बढ़ाकर मुजफ्फरनगर सहारनपुर से नजीबाबाद नगीना होते हुए उसको नगीना तक ले जाना चाहिए साथ साथ नजीबाबाद से मुंबई के लिए एक ट्रेन चलनी चाहिए और नगीना श्योरा किरतपुर में रेलवे के ओवरब्रिज बनने चाहिए सभापति महोदय सामाजिक न्याय मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए गए और जनजाति कार्य मंत्रालय को 13,000 करोड़ रुपए दिए कुल 26,000 करोड़ रुपए जो कुल बजट का जो कुल 48.20 लाख का लगभग 0.54% है जबकि हमारी संख्या 25% से ज्यादा एससी एसटी की और बहुजन समाज की मिलाओगे तो 85% से ज्यादा है और हमारे विकास के लिए सरकार 1% बजट 1% पैसा खर्च कर रही है जो मिलना हमें चाहिए जबकि मिलना हमें 25% चाहिए ये ऊंट के मुंह में जीरे के समान है कहावत हमने बहुत दिन सुनी थी पिछले लंबे समय से हमारे साथ धोखा हो रहा है
लेकिन अब ये नहीं चलेगा। चंद लोगों की तराजू से देश के संसाधन नहीं बटेंगे। इस देश का बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। संसाधन का बंटवारा संख्या के आधार पर होगा। माननीय काशीराम साहब नारा लगाए थे, ना तो वोट हमारा राज तुम्हारा चलेगा, और आज हम कह रहे हैं ना ही वोट हमारा और नोट तुम्हारा चलेगा। इस बात का भी ध्यान जो है सरकारों को देना पड़ेगा। आपके माध्यम से सरकार से मेरी एक मांग है, सरकार इस योजना का लाभ भी अपने आप ले ले, सरह भी ले ले, कि 1,00,000 रुपए सालाना बहुजन समाज के अत्यंत गरीब परिवारों को दे। 10,00,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, लेकिन इस 1,00,000 रुपए की योजना से एक झटके से एक परिवार में परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आएगा और इनके बच्चों कुपोषण खत्म होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, महिलाओं को सम्मानजनक जीवन मिलेगा और इससे वास्तव में सबका साथ सबका विकास का नारा सार्थक होगा। अगर प्रश्न ये होगा कहाँ से आएगा, तो उसका जवाब ये है कि जब अमीरों का 16,00,000 करोड़ रुपए माफ हो सकता है, कॉरपोरेट टैक्स का घटाकर 2,00,000 करोड़ रुपए का चुना सरकारी खजाने को लगाया जा सकता है, पेट्रोल डीजल के दाम 10 गुना बढ़ा, एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, तो गरीबों को सरकार पैसा क्यों नहीं दे सकती? महोदय समय आ गया है, अब निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। एससी एसटी ओबीसी को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरी आपसे ये भी मांग है, क्योंकि अब समय की मांग है और देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि सरकार का जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगभग वो असत्य महसूस होता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों में मुसलमानों, जैनों, सिखों, बौद्धिस्टों के लिए कुछ दिख नहीं रहा। उनकी कल्याण कोई योजना नहीं है। मदरसों को जो बजट मिलता था वो खत्म कम कर दिया गया है। आर्थिक तंगी से लोग मर रहे हैं। इंटर्नशिप की बात हुई है, परमानेंट रोजगार नहीं है। और दिल्ली में क्या हुआ बच्चों के साथ कल? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या है? वो आए तो बनने थे आईएएस आईपीएस और बन क्या गए? लाशें बन के गए। यहाँ से कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी की नज़र नहीं है। साथ साथ मैं आपसे ये भी आग्रह करूँगा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोग देश से बड़ा प्रेम करते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि सरकारें हमें सुनेंगी, सरकारें हमारे बारे में सोचेंगी। लेकिन ऐसा महसूस हो जाता है आज़ादी के 75 साल बाद, और जिसको अमृतकाल कहा जा रहा है, आज भी एससी एसटी ओबीसी के लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अभी 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया गया गाजियाबाद में, और राजस्थान में गर्दन काट दी गई। ये घटनाएं देख के डर लगता है, घर से निकलते हुए भी कि आने घर वापस लौटेंगे नहीं लौटेंगे। तो मेरा सरकार से आग्रह है, अगर आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें हमारी हत्या हो रही है, तो हमारी माँ को भी दर्द हुआ होगा जब उसने हमें पैदा किया हो, हमारी बहनों को भी हमारे खोने का दर्द होता होगा। कैसी कानून व्यवस्था है आपकी? सब कुछ है आपके पास, फिर भी जो है महिलाओं पर रेप नहीं रोक पा रहे हो, हत्याएं नहीं रोक पा रहे हो, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की जान नहीं बचा पा रहे हो। किसान सुसाइड कर रहा है, नौजवान सुसाइड कर रहा है, और बड़ी बड़ी बातें होती हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, इधर भी अच्छे लोग हैं, लेकिन अच्छाई तब होगी जब जमीन पर भी कुछ काम दिखाई देगा। और जमीन पर महोदय कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। जब कोई योजना की बात आती है तो सरकार हमसे मुंह मोड़ लेती है। आप बताइए, एजुकेशन का बजट कम कर दिया, हेल्थ का बजट कम कर दिया। मैं अपने क्षेत्र में गया तो आप विश्वास कीजिए, डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, और कोई भर्ती ऐसी नहीं जिसका पेपर लीक नहीं होता है। तो देश किस तरफ जा रहा है और इसमें नौजवानों का भविष्य क्या है, उसके बारे में भी हमें चिंता करनी चाहिए। और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए मेरा आपसे आग्रह और आपके माध्यम सरकार से आग्रह है कि यहाँ बाहर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, एक वो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है, और आप विश्वास करो इतना गुस्सा है उसको लेके, मेरी आपके माध्यम से मैं हाथ जोड़ता नहीं हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी सरकार से हमारी आग्रह है कि वो अंबेडकर वादियों के सम्मान का ध्यान रखते हुए, उनके जो है दिल की पीड़ा को समझते हुए, दर्द का ध्यान रखते हुए, उस मूर्ति को पुनः स्थापित करा दीजिए। अगर इसमें कोई राजनीतिक कारण अलग बात है, लेकिन मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ इसमें बहुत गुस्सा है। जिस दिन अम्बेडकर वादी गुस्सा हो जाएगा, वो फिर इस सरकार को जो 24 में आ गई है, वो आने वाले चुनाव में ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा पलट के नहीं देख पाओगे। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और मुझे विश्वास है कि सरकार मेरी बातों पे गौर करेगी और गरीबों के बारे में सरकार सोचेगी, गरीबों को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होंगे। धन्यवाद।